हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली के एक ऐतिहासिक निर्णय के बारे में। जी हाँ, वो निर्णय क्या है? देखिए, वो निर्णय है आर्मी से जुड़ा हुआ, और आर्मी में भी एक हमारे एक्स नायक कृष्णपाल सिंह थे। देखिए, जो कृष्णपाल जी थे वो एक्चुअली पहले सेना में थे, उसके बाद वो DSC में ज्वाइन करते हैं, और जब वो वहाँ से रिटायर होते हैं तो उनकी सर्विस जो है 15 साल पूरी नहीं होती है, 5 दिन पहले उनकी एज पूरी हो जाती है और वो वहाँ से रिटायर हो जाते हैं। तो उनको जो सेकंड पेंशन मिलनी चाहिए वो पेंशन नहीं मिलती है, तो उन्होंने केस लड़ा और वो केस लड़कर जीत जाते हैं। तो क्या कहा कोर्ट ने, क्या क्या डायरेक्शंस थी, किस रूल्स रेगुलेशंस का हवाला दिया गया, क्योंकि देखिए आप सभी लोगों के लिए ये सब चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो। तो देखिए, आप देख सकते हैं ओरिजिनल एप्लीकेंट जो हैं OA नंबर 1679/2022, एक्स नायक कृष्णपाल जो हैं एप्लीकेंट्स हैं, उनकी तरफ से जो केस लड़ रहे थे एडवोकेट वो थे मिस्टर AK त्रिवेदी जी। और देखिए, जो यूनियन ऑफ इंडिया किसके खिलाफ था, वो थे देखिए रेस्पोंडेंट्स में, उनके एडवोकेट थी मिसिज शीतल रघुवंशी जी। तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पर जज थे AFT थे, वो थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेंद्र मेनन एंड ऑनरेबल आप देख सकते हैं PM हरीश जी, ये मेंबर थे वहाँ पे। अब केस क्या था, तो इन दिस ओए द एप्लीकेंट इज सीकिंग ए डायरेक्शन टू द रेस्पोंडेंट्स, वो एक डायरेक्शन चाहते थे टू ग्रांट हिम सेकंड सर्विस पेंशन, कि उनको भी सेकंड सर्विस पेंशन दी जाए फॉर द सर्विस रेंडर्ड इन द DSC, जो उन्होंने सर्विस गुजारी दी अपनी लाइफ उसमें DSC में डिफेंस सिक्योरिटी कोर्प्स, बाय कंडोनिंग द डेफिशिएंसी इन क्वालिफाइंग, कि उनको जो 5 दिन बचे हैं उसका उनको कंडोनेशन दिया जाए और उस कंडोनेशन के साथ लगा के उनको पेंशन का प्रोविजन किया जाए, ये उनका कहना था। तो इट इज़ कंसिडर्ड पोजिशन दैट द एप्लीकेंट वॉज एनरोल्ड इन DSC, जो एप्लीकेंट थे वो देखिए 6 फरवरी 2006 में DSC में आते हैं और 31 जनवरी 2021 को उनकी सर्विस कह सकते हैं, उनकी जो एज है सर्विस करने की वो पूरी हो जाती है, यानी लेकिन उनकी जो 15 साल सर्विस है वो पूरी नहीं हो पाती है, उसमें शॉर्ट फॉल ऑफ 5 डेज, 5 दिन की कमी रह जाती है। तो उन्होंने जो कोर्ट ने कहा भी हमने पूरा मैटर देखा है और उसके आधार पर उन्होंने बहुत सारे जो निर्णय थे उनका जिक्र भी किया है यहाँ पर। तो उस निर्णय में क्या आता है कि भैया ये जो आपकी DSC है एक आर्मी के अंदर से काउंट होती है, जो सारे प्रोविजंस डिफेंस की तीनों सेनाओं के लिए हैं वही सेम प्रोविजंस आपको यहाँ पर DSC के लिए अलाउड होते हैं। इट वाज हेल्ड दैट द प्रोविजन फॉर कंडोनेशन ऑफ शॉर्ट फॉल इन सर्विस अंडर रेगुलेशन 125 ऑफ द पेंशन रेगुलेशंस फॉर द इंडियन आर्मी 1961 Part 1 जो है उसके आधार पर जो है कंडोनेशन का प्रोविजन अवेलेबल है, आर इक्वली एप्लीकेबल टू द आर्म्ड फोर्स पर्सनल सर्विंग इन DSC। तो जो आर्मी के लिए है वही सेम चीज़ यहाँ पर DSC के लिए लागू होती है। तो देखिए, उन्होंने भी ये कहा, यहाँ पर ये बात हो जाती है। अब हम बात करते हैं, देखिए जो मेन जो है लेटर दिया है कोटेड, जो ये जजमेंट है वो बात कर रहे हैं कि भाई ये जजमेंट ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, अब उस जजमेंट के ऊपर क्या है। द एस्पेक्ट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन फुल डिटेल इन अवर डिस्कशन अबव ऑन मेरिट्स, इट नीड्स नो फर्दर एम्फेसिस दैट द DSC इज़ ए पार्ट ऑफ आर्मी एंड इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज ए कॉर्प्स अंडर जो रूल है 187(1)R ऑफ द इंडियन आर्मी, जो रूल है वो 1954, अगर उसको पढ़ा जाए आर्मी एक्ट जो 1950 है उसके 3(6) के साथ में। तो देखिए वो क्या बोलते हैं कि जो आर्मी है, आर्मी के जैसे ही सब DSC आर्मी में कोर्प्स होती हैं, तो ऐसे ही DSC जो है डिफेंस सिक्योरिटी कोर्प्स जो है एक आर्मी के अंदर कोर्प्स है, और जो रूल्स रेगुलेशंस जो भी पेंशन के हों कुछ भी हों डिफेंस पर लागू होते हैं आर्मी पर लागू होते हैं, वो सारे के सारे प्रोविजंस जो हैं DSC पर भी लागू होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लेटर्स का यहाँ पर हवाला दिया गया है। उन्होंने फिर देखिए यहाँ पे जो और भी लेटर्स हैं और भी जो यहाँ पर केस हुए हैं हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब, उन सब के जिक्र किया गया, उसमें उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने इसने बोला है इन दिस लाइट ऑफ कपल्ड विद द मेरिट्स ऑफ द डिस्कस इन द इंस्टेंट जजमेंट देयर कैन बी नो स्कोप फॉर एनी डाउट दैट DSC पर्सनल आर फुल्ली एंटाइटल्ड टू कंडोनेशन ऑफ द अदर आर्मी पर्सनल, जैसे अदर आर्मी पर्सनल जो है कंडोनेशन के हकदार होते हैं, सेम उसी प्रकार से DSC के पर्सनल को भी क्या है कंडोनेशन मिलना चाहिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कंडीशन कितना होता है देखिए, ये आपके इस पैराग्राफ में आपको मिलेगा। फर्दर द रेस्पोंडेंट्स हैव देमसेल्व स्टेटेड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन छत्रपाल केस, देखिए जो रेस्पोंडेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छत्रपाल केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने माना था कंडोनेशन अप टू 1 ईयर इज पॉसिबल, कि 1 साल का कंडोनेशन दिया जा सकता है। एंड वंस द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इंक्लूडिंग द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड हैव अपहेल्ड द
प्रपोजिशन इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द, यदि यदि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये माना गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि भैया हाँ आपको ये सब चीज़ प्रोविजन जो है मिलने चाहिए, तो देखिए हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी आपको पेंशन मिलेगी। तो उन्होंने ये पूरी की पूरी जो डिस्कशन दिया, उन्होंने बोला कि 5 दिन की कमी थी, तो अब उन्होंने जो निर्णय दिया वो शॉर्टफॉल ऑफ लेस देन 1 ईयर यानी 5 डेज यहाँ तो क्वालिफाइंग सर्विस फॉर सेकंड सर्विस पेंशन इज कंटोन, यानी उनको कंडीशन दिया जाता है सब्जेक्ट ऑफ वेरीफिकेशन, सब्जेक्ट टू वेरीफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू इश्यू ए, उनको कोरिडेंडम जो PPO वो इशू किया जाए, और देखिए जो भी उनका पैसा बनता है उनको 6% इंटरेस्ट के साथ उनको दिया जाए। तो देखिए बहुत ही बड़ा एक निर्णय है, इस निर्णय में और भी सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाता है, मार्गदर्शन मिल जाता है कि अगर किसी के साथ ऐसी घटना घटती है तो देखिए इस केस का हवाला देके वो यहाँ पर कोर्ट में जा सकता है। हालांकि ये जो निर्णय है ये निर्णय लोकल लेवल पे भी दिखा के क्लियर किया जा सकता है, ऑफिसर लेवल पे भी, बट अगर नहीं होता है तो देखिए इसे दिखा के आप कोर्ट केस लड़ सकते हैं। तो ये थी जानकारी, अगर आपको पसंद आई तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद जय भारत।